हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये वीडियो जो है, आपने टाइटल देख के तो समझ लिया होगा। मैं थोड़ा सा बता दूं ब्रीफ में कि यूपीएससी 23 में जो क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं, स्पेशली एनवायरनमेंट सेक्शन से, तो मैं उसका आज थोड़ा सा एनालिसिस करने वाला हूँ। बिकॉज आज है 16 दिसंबर और बहुत कम टाइम बचा है यूपीएससी में, लगभग 6 महीने के आसपास का टाइम बचा है, जिसमें हमको जीएस भी पूरा कवर करना है, देन सीसैट भी है, टेस्ट सीरीज़ भी है, ये सारी चीज़ें हैं, और रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके लिए मिनिमम 6 मंथ तो लगते हैं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग जनवरी से या मिड फरवरी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो उन लोग के लिए फिर लास्ट में रिवीजन और टेस्ट सीरीज सारी चीज़ें हैंडल करना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी हमारे पास लगभग 6 महीने का एक टाइम है, तो अभी से स्टार्ट कर ले तो फिर आगे चल के रिवीजन में और टेस्ट देने में और सारी चीज़ों में फिर दिक्कत बहुत कम आती है। सो आज मैंने जो है, जैसे आज 16 दिसंबर है, तो आज मैंने जो है ये अपना एनवायरनमेंट शुरू किया है, स्टार्ट किया है स्टडी। और मैंने कुछ चीज़ें इसके अंदर रियलाइज़ की कि यूपीएससी ने जो 2023 के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे हैं, उसका पैटर्न क्या था, वो क्वेश्चंस कहाँ से पिक किए हैं, मोस्टली क्वेश्चन किस तरह से पूछे हैं। तो एनालिसिस के बाद जब मैं देखा हूँ, जैसे कि मेरे पास ये बुक है, मृणाल सर का ये बुक है, बहुत पॉपुलर है और बहुत सारे यूपीएससी स्टूडेंट इसको सजेस्ट भी करते हैं, यूज भी करते हैं। तो यहाँ से मैंने एनालिसिस किया कुछ स्टार्टिंग में, लेकिन यहाँ से मुझे उसका सोर्स पता नहीं चला कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा है। और फिर मैंने उसको गूगल किया, जैसे जो भी क्वेश्चन होता मैं उस गूगल से कमांड दे देता कि ये न्यूज़ में था या नहीं था, 2022 या 2021 या 23 में न्यूज़ में ये आया है या नहीं। तो उसी तरीके से मैंने जो है ये पूरा पेपर जो एनालिसिस किया, स्पेशली इन्वायरमेंट मैंने भी जस्ट किया। मैं और भी वीडियो बनाऊंगा बाकी सारे, पॉलिटिक है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक है, इसके ऊपर इसके बाद में इंटरनेशनल रिलेशंस है। तो ये कुछ मैंने ये लिस्ट बनाई है जिसमें 17 क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने 23 में इन्वायरमेंट से पूछा है। तो उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा 17 में से कि जो स्टैटिक था, जिसमें कोई करंट अफेयर नहीं था। मैंने उसको बहुत सर्च किया लेकिन मुझे कोई सोर्स नहीं मिला कि वो कहीं पे भी न्यूज़ में था। लेकिन हाँ, क्लास 12th की एनसीईआरटी बायोलॉजी की, उसमें चैप्टर 7 के अंदर में वो वाला क्वेश्चन उसके अंदर भी, मैं आगे आपको बताऊंगा वो कौन सा क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने वहाँ से पूछा है करती। बट मोस्टली 16 जो क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे, जैसे कि आपको अगर दिख पा रहा है तो मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ, ये मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये सेट सी है, मैं आपको पहले बता दूँ ये सी वाला सेट है, जिसके पास नहीं है वो इंटरनेट से डाउनलोड कर ले ताकि फिर ढूंढने में क्वेश्चन आसानी रहे। तो ये यहाँ पे 29 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। मैं भी आपको पूरा अपने इधर से यहाँ पे कन्वर्ट करूँगा कैमरे को, पूरा दिखाऊँगा, लेकिन एक ब्रीफ एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 है, जिसमें ये क्वेश्चन जो है फेब का आर्टिकल है द हिंदू न्यूज़ के, द हिंदू के अंदर में, जिसका टाइटल ये दिया हुआ है कि गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथन बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट, और इसी से यूपीएससी ने क्वेश्चन पिक किया। ऐसे ही 16 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के यूपीएससी ने कहीं ना कहीं से जो करंट अफेयर में चल रहे थे, जो न्यूज़ में चल रहे थे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपके पास फिर से बताता हूँ कि अगर ये वाला सेट नहीं है, सी नहीं है, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए ताकि फिर ढूंढने में आपको आसानी ना हो। मैं क्वेश्चन नंबर के साथ आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताऊँगा, तो उस वीडियो पे चलते हैं। ये मेरे पास जो है सेट सी, जैसे मैंने पहले बताया। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो पहला क्वेश्चन सेट सी में इन्वायरमेंट से आया है, ये देखिए, ये क्वेश्चन एकदम ब्रीफ ब्रीफ में आप यहाँ से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। जैसे कि ये क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी के रिलेटेड में, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पूछा है, फंक्शंस के बारे में पूछा है, और ये जो है द हिंदू में फेब 20 का आर्टिकल है, ये टाइटल उसका गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथन बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट। ये आप जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये यहीं से उसने क्वेश्चन पिक किया है। देन सेकेंड क्वेश्चन जो है, मैं आपको एकदम स्पीड में बस ब्रीफ में बता रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 36 है, ये देख लीजिए, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में यूपीएससी ने पूछा है। कॉन्टीन्यूसली ये न्यूज़ में था। आप 22-23 ये दोनों के जब आप न्यूज़ चेक करेंगे, द हिंदू है, इकोनॉमिक टाइम्स है, द इंडियन एक्सप्रेस है, और भी बहुत सारी न्यूज़ है, PIB है, तो उसमें ये वाला जो क्वेश्चन है ये कंटिन्यू ये न्यूज़ में बहुत पॉपुलर अभी भी चल रहा है। देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 38 भी ये न्यूज़ में था, 2 जुलाई 2021 इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, ठीक। आप उसके अंदर में जैसे कि एसएल ट्रॉक के बारे में डाल के देखेंगे तो आपको उसके अंदर में ये आर्टिकल वहाँ पे मिल जाएगा। ये एकदम ऑथेंटिक सोर्स है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि कब का है ये, 2 जुलाई 2021 इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। देन क्वेश्चन नंबर 43, ये भी न्यूज़ में था 12 अक्टूबर 2021 को, द इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर में ये था, और अदर और दूसरे भी जो न्यूज़पेपर है, दूसरे भी जो सोर्सेस है वहाँ पे भी इसको कवर किया गया है। ये कार्बन फाइबर्स के बारे में पूछता है, तो ये अच्छा कार्बन से लेके तीन चार क्वेश्चन यूपीएससी ने 2023 में पूछे, तो ये तो इसका सोर्स रहा। देन क्वेश्चन नंबर 45, भी जो है ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं, मैंने एक कहा था, ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मतलब न्यूज़ में तो ये मोस्टली नहीं थे, बट एक्वाकल्चर सिस्टम ये न्यूज़ में था। ये वाला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा एक्वाकल्चर वाला ये न्यूज़ में क्वेश्चन आया था। देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है, मर्क्यूरी पोल्यूशन के बारे में ये क्वेश्चन इसने पूछा है 2023 में। ये इसका सोर्स है कि न्यूज़ में कहाँ था, द हिंदू का आर्टिकल 29 सितंबर 2022, टाइटल ये है कि मर्क्यूरी कॉन्टेमिनेशन एट ए माया साइट्स रिवील्स हिस्टोरिक लीगेसी, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसका सोर्स है। देन क्वेश्चन नंबर 50 भी है, ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड है, ये भी 2000 इसका सोर्स जो है मैं आपको बताता हूँ, कंटिन्यूसली ये बताया, देखो मैं यहाँ लिखा हुआ है, ये कॉन्टीन्यूसली ये न्यूज़ में था और अभी भी चल रहा है, कंटिन्यूसली ये न्यूज़ में कंटिन्यू चल रहा है। देन क्वेश्चन नंबर आता है 68 की तरफ, देखिए क्वेश्चन नंबर 68, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एन एरिया एज ए कम्युनिटी रिजर्व। कम्युनिटी रिजर्व का जो आर्टिकल है ये डाउन टू अर्थ 30 सितंबर 2022, ये डाउन टू अर्थ में आर्टिकल ये इसका पूरा कवर हुआ है, जिसका टाइटल है कम्युनिटी रिजर्व आर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स बैकडोर एंट्री इनटू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये बोल के इसने टाइटल दिया है। देन आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ, देखिए ये वाला भी जो है कार्बन मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन था, कार्बन मार्केट, तो ये भी कंटिन्यूस न्यूज़ में ही चल रहा है। सो मैंने आर्टिकल ने इसको कवर किया है, एक ये आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे ग्लोबल कार्बन मार्केट कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस हुआ था 2022 के अंदर में, तो वहीं से मैं यहाँ लिखना भूल गया, तो वहीं से ये क्वेश्चन पिक हुआ है। और भी न्यूज़ जो चल रही थी जैसे कि इंडिया प्रिपेयर्स फॉर ग्लोबल कार्बन मार्केट एक्सेट्रा, ये सारी न्यूज़ उस वक्त में चल रही थी। देन आगे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 जो है इसका भी आर्टिकल जैसे कि स्पीशीज़ के बारे में वो पूछा है, तो ये कंटिन्यू जो है आर्टिकल आया था द हिंदू के अंदर 2022 में, गवर्नमेंट रिपोर्ट था 2022 का गवर्नमेंट रिपोर्ट, ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट मोर मैमल स्पीशीज़, ये ऐसा बोल के ये आर्टिकल द हिंदू ने कवर किया था, द हिंदू ने एक अलग आर्टिकल कवर किया था, बट एक ये रिपोर्ट 2022 गवर्नमेंट रिपोर्ट, क्या रिपोर्ट थी, ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट मोर मैमल स्पीशीज, ये यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी ने पिक किया है। जैसे कि ये क्वेश्चन बोला है कि इसका और एक सोर्स है, इसका सोर्स क्लास 12 की एनसीईआरटी के अंदर भी आपको ये मिल जाएगा, क्लास 12
एनसीईआरटी चैप्टर 7 क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर 7 बायोलॉजी की, ठीक, बायोलॉजी की क्लास 7 की जो सॉरी क्लास 12th की जो एनसीईआरटी चैप्टर 7 के अंदर भी आपको ये स्टैटिक वाले क्वेश्चन में भी ये मिल जाएगा। देन आता है क्वेश्चन नंबर 83 के ऊपर, ये IUCN की जो साइट है उसके ऊपर आपको ये चीज़ ये जो है इन्वेसिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, इसके बारे में भी जो है ये IUCN ने अपनी साइट के ऊपर कुछ डाला हुआ है, ये वहीं से क्वेश्चन देखे पिक हुआ है। और एक प्रोजेक्ट इम्पैक्ट बोल के 2021-25 ये भी IUCN की साइट पे ही आपको मिलेगा, ये उसी साल सॉरी 2022-23 के अंदर ही ये न्यूज़ में था। देन क्वेश्चन नंबर 84 के ऊपर आते हैं, ये केरला स्टेट के रिलेटेड में न्यूज़ आई थी, केरला के कोई लोकल न्यूज़पेपर ने या वहाँ की कुछ गवर्नमेंट ने इसके रिलेटेड में डाला था, मालाबार सीविट के रिलेटेड में एंड सम्बरडीर के रिलेटेड में द हिंदू में ये आर्टिकल आया है 27 मार्च 2023 को। देन आगे फिर ये क्वेश्चन नंबर 85 है, ये भी द हिंदू में आर्टिकल आया था मार्च 11, 2023 को, ये हनीबीज के बारे में ये पूछा था, तो ये आर्टिकल द हिंदू ने 11 मार्च 2023 को भी कवर किया। तो करंट अफेयर का यहाँ से इंपॉर्टेंट पता चलता है कि 11 मार्च 2023, क्योंकि हमारा जो प्री हुआ था वो 28 मई 2023 को हुआ था, और मार्च 11 का भी क्वेश्चन देखिए जो करंट अफेयर में जो करंट में चल रहा था वो सेम, ये आर्टिकल आप देखोगे तो लगेगा कि बिल्कुल वहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन आया है। देन उसके बाद क्वेश्चन आता है 87, और ये 87 वाला क्वेश्चन है, ये भी न्यूज़ में था द इकोनॉमिक टाइम्स में सितंबर 4, 2022, ये देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ सितंबर 4, 2022 को ये आर्टिकल द इकोनॉमिक टाइम्स ने कवर किया था, और वहीं से फिर ये जो है ये न्यूज़ आई है। इसका ना बहुत अच्छे से आप अगर चेक करोगे ना, आप ये डेट डाल के देखना तो सामने ही आपको एक स्क्वायरल का फ़ोटो मिलेगा, जिसके अंदर में वो आपको दिखेगा कि उसके पास कुछ नोट्स है एंड ऑल सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। देन फिर उसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे, क्वेश्चन नंबर 88, हाँ ये वाली जो चीज़ है क्वेश्चन नंबर 88, ये मुझे कहीं पे भी न्यूज़ में नहीं मिली है, या मैंने इसको बहुत सारा सर्च किया इसके बारे में लेकिन मुझे ये न्यूज़ में कहीं पे मिला नहीं, तो ये वाला एक क्वेश्चन ऐसा था जो न्यूज़ में कहीं नहीं मिल नहीं पाया। देन ये वाला जो क्वेश्चन, मैं अभी आपको इसका थोड़ा सा अपने लैपटॉप में मैंने वीडियो भी चालू किया, मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन वो पूछा है ये न्यूज़ में था, बीबीसी अर्थ ने 2021 के अंदर ये इस न्यूज़ को कवर किया है। जैसे कि क्वेश्चन उसने जो पूछा है, देख आपको आप क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ए टूल, ये पूछ रहा है कि वो कौन सा मतलब ऐसे जानवर जो टूल बनाता है नौ सारी चीज़, तो ये सारी चीज़ें जो है एक मिनट देखिए टाइटल भी देख लीजिए, ये बीबीसी ने बस अब तक कवर किया है से दो साल यानी 2021 के अंदर में ये सब कुछ कवर किया है। ये वीडियो का लिंक मैं आपको डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप इसका वीडियो भी देख सकते हैं, कॉपीराइट आ जाएगा इसके लिए, वो आप वीडियो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं कि बीबीसी न्यूज़ ने वो बहुत अच्छे से उसको उसमें कवर किया था, और वहीं से यूपीएससी ने फिर ये क्वेश्चन पिक किया है 89। ये है क्वेश्चन नंबर 16 जो यूपीएससी ने पूछा, एंड लास्ट क्वेश्चन है 95, ये देखिए ये क्वेश्चन लास्ट है जो यूपीएससी ने रन ऑफ कच्छ के बारे में पूछा था। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर मरतबा नॉट ओनली रन ऑफ कच्छ के बारे में लेकिन सी लेवल जो राइज़ होता है हर बारी तो टेम्परेचर बढ़ता है नॉल सारी चीज़ें, तो ये क्वेश्चन कंटिन्यू न्यूज़ में था, इसको PIB ने भी, अब देखिए अब रन ऑफ कच्छ के बारे में ही क्यों पूछा है, बिकॉज PIB ने इसको आर्टिकल कवर किया था कि फर्स्ट G20 मीटिंग हुआ था वहीं पे रन ऑफ कच्छ के एरिया में, ये जो फर्स्ट हमारा G20 का जो मीटिंग हुआ, और सी लेवल राइज कंटिन्यूसली इन न्यूज़, और जो सी लेवल जो बढ़ रहा था वो राइज़ हो रहा था वो कंटिन्यूसली न्यूज़ में था ही, और PIB का फिर वहाँ पे PIB ने आर्टिकल भी कवर किया कि G20 का फर्स्ट वहाँ पे मीटिंग हुआ है, तो फिर वो सोने पे सुहागा हो गया, इसलिए UPSC ने वहाँ से ये सब क्वेश्चन पिक किया है। ये देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गूगल पे इसको सर्च करके
meeting of first tourism working group under India's G20 presidency concluded successfully at Rann of Kutch. Yeah. और ये आर्टिकल देख लीजिए, ये कब का है, पोस्टेड ऑन 10 फरवरी 2023 बाय PIB दिल्ली। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है UPSC पूछ रहा है, तो इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा करंट अफेयर के ऊपर में फोकस करने की ज़रूरत है, बिकॉज करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। पर फोकस करने की ज़रूरत है क्योंकि करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन UPSC पूछ रहा है, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो। तो ये यहाँ से क्वेश्चन जो है मोस्टली जो बनते हैं वो प्रीलिम्स में जो मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से कहीं ना कहीं वो रिलेट होते हैं। और सिर्फ हिस्ट्री का हमें एक ऐसा पोर्शन छोड़ ले जहाँ से भले ही मतलब वहाँ से भी अगर आर्ट कल्चर में अगर कुछ चल रहा है करंट में तो हो सकता है कि वो UPSC वहाँ से भी क्वेश्चन पिक कर ले। तो करंट अफेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, न्यूज़पेपर डेली पढ़ना बिल्कुल ना छोड़ें, देन मंथली मैगजीन जो भी आप यूज़ करते हो, मैं बोलूँ तो मैं विजन IAS ही स्टार्टिंग से यूज़ करता हूँ, और न्यूज़पेपर में द हिंदू डेली या तो मैं पढ़ लेता हूँ, या अगर मेरे पास अगर पढ़ने के लिए उतना टाइम नहीं रहा तो फिर मैं एनालिसिस वीडियो देख लेता हूँ। तो करंट अफेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि मैं आपको बताया कि 17 में से दो क्वेश्चन में तो अलग कर दिया वहाँ से, कि 15 क्वेश्चन जो है वो UPSC ने, मैं आपको प्रूफ के साथ बताया कि कौन सा आर्टिकल कब कहाँ पे कवर हुआ था, और UPSC ने फिर वहाँ से क्वेश्चन पिक किया। ऐसा नहीं कि बहुत 2018-19 में क्वेश्चन करंट अफेयर में आया, न्यूज़ में आया हो, देन UPSC उसको पिक करो, नहीं। मार्च 11 का भी एक मैं आपको बताया कि उसके अंदर में वो न्यूज़ में था और UPSC ने उसको पूछ लिया है। तो करंट अफेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपसे कहूँगा कि प्रीलिम्स में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, अनप्रडिक्टेबल एग्ज़ाम होता जा रहा है, जैसे हमने 23 का पेपर देखा ही कि पेपर कैसा था। तो इसके लिए करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ऐसा भी नहीं कि करंट अफेयर कर रहे तो फिर स्टैटिक हम छोड़ रहे, नहीं, दोनों को ही साथ में लेकर चलना है। जितने अच्छे से हम स्मार्ट वर्क करेंगे, स्मार्ट स्टडी करेंगे, तो हमारा जो स्कोर है वो उतना ही अच्छा है। जो लोग 24 के लिए इस बार कर रहे प्रिपरेशन उनको ऑल द बेस्ट, 25-26 वालों को भी ऑल द बेस्ट जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसी तरह से अपने प्रिपरेशन को स्मार्ट बनाइए, अपनी स्टडी को स्मार्ट बनाइए, और करंट अफेयर को और स्टैटिक को दोनों को ही साथ में लेके अपनी स्टडी को कीजिए। होप कि आपका जो है जर्नी जो है वो अच्छे से गुजरे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा हाँ, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा, जैसे मुझे बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो जैसे ही मुझे नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो मैं कौन सा वीडियो आपको बनाऊँ तो वो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए, ताकि मैं फिर नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी से अपलोड करूँ। और जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि साइंस एंड टेक का वीडियो मैं बना लेता हूँ, कि साइंस टेक से भी बहुत सारे क्वेश्चन जनरल साइंस से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, तो आप लोग मुझे बता लीजिए। ये देखिए मेरा टाइमर लगा हुआ था, तो टाइमर बजिए। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाए, बंदुजा भाई, थैंक यू। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।